स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पूनम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत काम का होने वाला है। और होता ये नहीं कि सर्दियों का मौसम है, सारे जो गर्म कपड़े हो गए, जैकेट, स्वेटर, कंबल, रजाइयाँ सब बाहर आई हुई हैं। तो ऐसे में अगर कुछ, अगर हमें ऐसा आइडिया मिल जाए कि जो ये चीज़ें हैं, जो गर्म कपड़े हैं, इनको सही से सेट करें, जो कि ये नज़र भी ना आए। क्योंकि होता ही है ना कि गर्मियों में तो हम इन चीज़ों को बेड में सेट कर देते हैं, मचान पे सेट कर देते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम पे ना बहुत दिक्कत हो जाती है इन सबको संभालने की। तो ऐसे ही मैंने पीछे भी दो वीडियो भी शेयर की है और उसमें थोड़ा सा सिलाई आना ज़रूरी है, लेकिन आज का जो वीडियो है ना वो बिना सिलाई का होगा। आइडियाज होंगे जो हम इन गर्म चीज़ों को इस तरीके से रखेंगे कि बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और जिनको सिलाई नहीं भी आती है ना, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और कुछ आइडियाज शेयर करती हूँ इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अच्छे से स्टोर करने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला आइडिया है पिलो कवर को लेकर। तो देखिए, पिलो कवर तो हमारे घर में होते ही और बहुत सारे होते हैं। बेडशीट से ज़्यादा हमारे पिलो कवर्स होते हैं, क्योंकि जब बेडशीट हमारी फट जाती है तो पिलो कवर भी रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो डबल वाले ब्लैंकेट होते हैं ना, इस तरीके के हल्के वाले ब्लैंकेट, आप इस तरीके से जो बड़े वाले पिलो कवर होते हैं उसमें इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए, गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसमें पिलो की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय भी ये काम आ जाते हैं। और इस तरीके से देखिए अरेंज हो जाते हैं, गंदे भी नहीं होते हैं। जब आपको ज़रूरत है इन ब्लैंकेट्स की तो आप पिलो कवर के अंदर से इनको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी आपके पास पिलो कवर्स हैं उनको इस तरीके से उनमें ये ब्लैंकेट अरेंज कर सकते हैं। तो पिलो कवर्स को लेकर ना एक और आइडिया है। इस तरीके से देखिए, जो हमारी जैकेट्स होती हैं हम किसी बैग में रखते हैं या फिर ऐसी अलमीरा में रखते हैं, तो ये डिसबैलेंस होकर इधर उधर फैल जाती हैं, क्योंकि ये कॉटन की नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी पिलो कवर ले सकते हैं, उसमें 5 से 6 इसमें जैकेट्स आ जाएंगी, स्वेटर आ जाएंगे, इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। हाँ, इनको आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैकेट स्वेटर ख़राब हो जाएंगे अगर हम इन पिलो को यूज़ करेंगे। तो ये एक तरह से ना अलमीरा में स्टोर करने के लिए है, आप इसमें रखिए और इसको अलमीरा में रख दीजिए। तो एज ए पिलो यूज़ नहीं करना है इसे, नहीं तो स्वेटर और जैकेट जो है वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये साफ़ सुथरे रहेंगे और अच्छे से तय लगे हुए रखेंगे, ठीक है ना, इसको हम अलमारी में रख देंगे। तीसरा आइडिया है यहाँ पर, इस तरीके से देखिए, सिर्फ 2 पिलो कवर हमें लेने हैं इस तरीके से। और या तो आप देखिए इस तरीके से ना सेफ्टी पिन लगा सकते हैं साइड में, ये जो 2 कोने आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए दोनों कॉर्नर्स उठा के यहाँ पर सुई धागे से कच्चा कर दीजिए, या फिर सेफ्टी पिन होती है ना, आप वो 2 सेफ्टी पिन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एक नीचे की साइड और जो ऊपर वाला कॉर्नर है ना वहाँ पर। तो जब 2 सेफ्टी पिन लगा लेंगे या इस तरीके से दूर दूर टांके भी अगर आप लगाते हैं, तो इन 2 पिलो कवर्स का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह जैकेट्स रखने के लिए, स्वेटर रखने के लिए, या फिर ऐसा होता है ना कि इनर वगैरह रख सकते हैं, वार्मर रख सकते हैं, इस तरीके से देखिए इसमें रख के आप इसको सीधे अलमीरा में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें ना फैलेंगी नहीं, एकदम इसी के अंदर रहेंगी। और जब आपको ये यूज़ में नहीं लेना है तो आप सेफ्टी पिन निकाल दीजिए और जो कच्चा आपने किया हुआ है उसे उधेड़ दीजिए जब गर्मियाँ आ जाएंगी। तो सर्दी में आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं अपने अलमीरा में इन तरीके से गर्म कपड़ों को, है ना। अच्छा आइडिया, फ्री का आइडिया है, घर में पिलो कवर्स हमारे होते ही हैं। तो इन 3 चीज़ों को यूज़ करके आप अपने पिलो कवर्स यूज़ कर सकते हैं और अपने गर्म कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चौथा आइडिया है यहाँ पर, इस तरीके से देखिए, छोटा ब्लैंकेट के बारे में तो मैंने बता दिया, चलो पिलो कवर के अंदर रख सकते हैं। तो इन बड़े जो ब्लैंकेट होते हैं उनका क्या करें या रजाइयों का क्या करें, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके का मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इस तरीके से इसे रोल करना है और आप इसमें इसे अरेंज कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जब रखेंगे ना, अभी सर्दी का मौसम है, आप तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाइट में यूज़ कर लिया है, मॉर्निंग में आप इसमें रख के इसे अरेंज कर लीजिए, और जब सीज़न ऑफ होगा तो आप इसे तब इसमें रखे आराम से, जो जहाँ पे भी रखे, आप बेड में रखते हैं या फिर मचान में, कहीं पे भी आपने जहाँ जगह बनाई है, आप इस तरीके से रजाई को रख सकते हैं। इसमें रजाई भी आ जाती है, बहुत बड़ा कवर है ये। तो देखिए, मैंने ब्लैंकेट डाला है और उसके बाद देखिए कितना लूज़ है ये।
तो डबल बेड की बड़ी सी रजाई है ना, वो भी इसमें आ जाती है। तो ये वीडियो देखना हो आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस तरीके के जो छोटे वाले पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना, इसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है ये। चेन का भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें चेन जिसको चेन लगानी नहीं आती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। डोरी टूट जाए तो आप दूसरी डोरी अटैच कर सकते हैं या फिर इसी को सिल सकते हैं। आइडिया नंबर 5 है, इस तरीके देखिए दुपट्टे हमारे पास होते हैं, हमारे सूट रिजेक्ट हो जाते हैं लेकिन दुपट्टे ऐसे बहुत सारे रह जाते हैं, तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग। देखिए इस तरीके से कोई भी दुपट्टा है उसको डबल ले लीजिए और इस तरीके से 2 से 3 आपके जो ये पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं ना, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप रोल कीजिए और साथ में जो ये दुपट्टा लिया हुआ है इसको भी इस तरीके से रोल कर दीजिए। होता ही है ना, सूट हमारा पुराना हो जाता है लेकिन दुपट्टे पुराने नहीं होते हैं। तो ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, ये सूट मेरे पास नहीं है, अब रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन दुपट्टा देखिए कितना प्यारा है। तो यहाँ पर एक साइड मैंने यहाँ पर रबर बैंड लगा दिया है और यहाँ पर भी मैं एक और रबर बैंड इसमें लगा दूंगी। तो देख सकते हैं 2 ब्लैंकेट इसमें अरेंज हो गए हैं और साथ में बहुत ही प्यारा यहाँ पर कैंडी कुशन बनके तैयार हो गया है। तो होता ही है ना, बिस्तर जब रखे हो तो आप इस पे अपने बिस्तर पे इसको रख सकते हैं, इस तरीके से देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके जो 2 ब्लैंकेट हैं वो भी इसमें अरेंज हो गए हैं। तो एक ब्लैंकेट मैंने इस वाले दुपट्टे में भी रखा है, तो ये देखिए, तो जितना प्यारा दुपट्टा होगा उतना प्यारा कैंडी कुशन बनके तैयार हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका ब्लैंकेट भी देखिए इसमें एडजस्ट हो गया है ना, कितना अच्छा तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं इस तरीके से। अब ये देखिए छोटे छोटे ब्लैंकेट जो हम लोग बेड पे बिछाते हैं ना, वो वाले भी होते हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उन्हें चेंज करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, धोने के बाद ना इसको देखिए मैंने डबल लिया है, मतलब जब आपको ब्लैंकेट रखना हो, बिछाना ना हो, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लपेट सकते हैं तिरछा करके और इस तरीके से देखिए गोल ऐसे घुमा देना है। ठीक है, अब एक और दुपट्टा ले लीजिए अपना, या कोई साड़ी का टुकड़ा हो या कोई पर्दा हो आपका जो काफ़ी देखने में अच्छा हो, तो इस तरीके से ले सकते हैं आप इसको भी डबल। और जितने भी अभी मैं दुपट्टे बता रही हूँ ना, जगह पर आप कोई भी साड़ी ले सकते हैं या पर्दा होता है कोई आपका अच्छा सा, वो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल करके बीचों बीच इसे रख दिया है और यहाँ जो रोल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा कपड़े को मैं ऐसे ऐसे ले लूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर से जितना भी कपड़ा है उसको हमें समेटना है चारों तरफ से। चारों तरफ से तो नहीं, गोल है ये पूरा जो राउंड शेप है इसका, इस तरीके से सब तरफ से मैंने ले लिया है। ठीक है, अब जो नीचे हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ना, थोड़ा सा खींचा था हमने, वो एक्स्ट्रा लिया था, उसी कपड़े में हम ये जो सारा इकट्ठा किया है उसे इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर सिंपली हमें एक और रबर बैंड लगाना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इस तरीके से एक कुशन बनके तैयार हो गया है और एक ब्लैंकेट में इसमें अरेंज हो गया है। तो देख सकते हैं 2 ब्लैंकेट उसमें हैं, एक ब्लैंकेट उसमें लाल वाले में है और ऑरेंज वाले में एक और ब्लैंकेट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने बिस्तर को भी डेकोरेट कर सकते हैं और जब आपको चाहिए हो ये वाला कंबल या जो भी चीज़ हमने इसमें डाली है ना, ब्लैंकेट वगैरह, वो आपको बिछाना है तो इसमें से निकाल लीजिए और दूसरा जो आपने वॉश किया है या फिर जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनके इस तरीके से कुशन बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने पिलो कवर रखा है और जो जिप वाला एरिया है ना उसको नीचे की साइड रखा है मैंने, ऊपर वाले पोर्शन पे। ठीक है, और जो ये नीचे वाला साइड है इसको आपस में इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे। कच्चा नहीं करना है आपको, आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से 4 सेफ्टी पिन लगा दीजिए, बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये वाला साइड है ना, यहाँ पर इस तरीके से मैं थोड़ा सा फोल्ड करके एक हैंगर यूज़ कर लूँगी और यहाँ पर भी मैं सेफ्टी पिन लगा लूँगी। तो अगर आप सिलाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे कच्चा भी कर सकते हैं, नहीं तो सिलाई की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए। और जब आपको ये वॉश करना हो ना, उसके लिए बहुत आसानी रहेगी सेफ्टी पिन की वजह से, कि जब ये गंदा हो जाए तो आप इसे उतार सकते हैं, सेफ्टी पिन हटा के हैंगर हटाइए और इसे आराम से मशीन में वॉश कर सकते हैं। तो पिलो तो देखिए हमारे घर में एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर दूसरी साइड भी मैंने हैंगर लगा लिया है और आप इस तरीके से इसे अलमीरा में सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे आपके स्वेटर आ सकते हैं, जैकेट आ सकते हैं,
अपने जीन्स रख सकते हैं, तो एक अलग ही कॉर्नर बन जाएगा इन चीज़ों का। आप पर्सन वाइज भी रख सकते हैं इसमें कपड़े। और ये देखिए, जो मैंने ओपन वाला साइड बोला था ना पीछे के साइड रखने के लिए, तो आप यहाँ पे एज ए पॉकेट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई सामान रखना हो, छोटा मोटा पेपर्स रखने हो, तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, मैं तो यहाँ डोर पर लटका के आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसे अलमीरा में अच्छे से हैंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आइडियाज जिससे आप अपने रजाई, कंबल, जैकेट, स्वेटर बिल्कुल आसानी से और बिना सिलाई मशीन के और बिना कोई सिलाई करे आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।